हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। फाइनली हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आज, और उस टॉपिक का नाम है एंगल। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारे बेसिक मैथ्स का फर्स्ट वीडियो था। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंगल होता क्या है। मान लो कोई भी एक ये बेस लाइन ले ली हमने, हम ऐसे भी बेस लाइन ले सकते हैं और ऐसे भी बेस लाइन ले सकते हैं। अब इस बेस लाइन से मान लो हमने इसको क्या किया, ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, तो ये लाइन यहां पहुंच जाएगी। इसको अगर घुमाओ मान लो ऐसे, तो ये यहां पहुंच जाएगी। और इसको मान लो मैं कहीं पर भी घुमा देता हूं, उस तरफ घुमा देता हूं इतना, तो ये यहां पहुंच जाएगी। ये इसकी इनिशियल पोजिशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ऐसे ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल, है ना। चाहे आप इधर से मेजर करो चाहे इधर से मेजर करो, है ना, वैल्यू ऑफ रोटेशन है वो सेम है। तो हमने देखा कि जब यहां से यहां पहुंचा तो रियलिटी में ये इतना घूम गया। यहां देखो ये इतना घूम गया, यहां देखो ये इतना घूम गया। तो जितना ये रोटेट किया, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेट किया ये, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, एंगल कहते हैं, है ना। तो एंगल क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ रोटेशन। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये होता है इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन और रे ओवर अनदर, एक लाइन का दूसरी लाइन पर कितना इंक्लिनेशन है, उसका मेजरमेंट भी, कितनी झुकी हुई है ये, उसके बीच में जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को अपन क्या कहते हैं, एंगल। बोलो बात क्लियर एकदम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कितना रोटेट किया, इसको अपन ने क्या नाम दिया, एंगल। अब इसको मेजर करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स बनानी पड़ती हैं। जैसे मान लो डिस्टेंस को नापते हैं, अपन क्या कहते हैं, कितने मीटर चला। ऐसे जब कोई चीज घूमती है, रोटेट करती है, तो एंगल चला। अब उस एंगल को मेजर करने के लिए अपन ने क्या किया, यूनिट्स बनाए। और वो यूनिट्स क्या है, दो यूनिट में डिवाइड करते हैं उसको। एक चीज को बोलते हैं हम डिग्री, और दूसरी यूनिट होती है इसकी एंगल की रेडियन, है ना। इसको मेजर करने के लिए हम दो ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डिग्री और एक रेडियन। और रेडियन होती है इसकी एसआई यूनिट, है ना। कैसी यूनिट है, एसआई, एसआई यूनिट रेडियन माना जाता है। एसआई यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जिसको इंटरनेशनली सभी सेट करते हैं। क्या फर्क है दोनों में, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिग्री की। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा सर्कल है ना, काफी गंदा बना है, ना ऐसे कोई भी सर्कल है। अब इस सर्कल को अपन ने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना स्टार्ट किया ऐसे। और ऐसे करते करते हमने इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। और ये जो दो कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, है ना, उन लाइंस के बीच में जो भी एंगल माना गया उसे अपन ने कहा 1 डिग्री। यानी एंगल जो है वो एक रोटेशन में अपने कितने का डिवाइड, कितने से कर दिया, 360। तो जो आंसर आया उसको अपन ने क्या मान लिया, 1 डिग्री। यानी दो कंजुगेटिव लाइंस जो हैं जो डिवाइड कर रही हैं पूरे सर्कल्स को 360 पार्ट्स में, उसके एक पार्ट के बीच का जो मेजरमेंट है उसे अपन ने क्या नाम दिया, 1 डिग्री। फर्दर क्या हुआ कि इसने कहा कि अब इससे छोटे यूनिट बनाओ, तो हमने क्या किया, 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड कर दिया 60 पार्ट्स में। तो हमें एक नई यूनिट मिली, हमने 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 पार्ट्स में, तो एक नई यूनिट मिली। और उस यूनिट को अपन ने कहा 1 आर्क मिनट।
वन आर्क मिनट, यानी मैं बोल सकता हूं कि एक रोटेशन में हमें क्या मिला 360 डिग्री, क्योंकि 360 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और एक डिग्री में हमें क्या मिला बेटा, वन आर्क मिनट। और शॉर्ट में ये वो वाला मिनट नहीं है, है ना, टाइम वाला, ये वन आर्क मिनट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में मिनट बोल देते हैं पर ये वन आर्क मिनट है। दूसरा फर्दर क्या किया गया, उन्होंने कहा काम करो इसको और छोटा करो, तो हमने क्या किया, जो अपना एक आर्क मिनट है ना, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 60 पार्ट्स में, तो अब जो नई यूनिट आई वो आई वन आर सेकेंड, है ना, वन आर्क सेकेंड, ये हमारे पास नई यूनिट आ गई। तो जो वन आर्क मिनट था उसमें क्या है हमारे पास, वन आर्क सेकेंड, ये हमारी सबसे छोटी यूनिट हो गई, है ना। तो ये हमारे पास डिग्री का पूरा मैप बन गया। तो हमें पता लगा कि जो पूरा सर्कल है उसको अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जितना दो कंजुगेटिव लाइंस के बीच का जो रोटेशन होगा उससे कहा जाएगा वन डिग्री, और एक डिग्री को अपने वर्तर डिवाइड किया अपन ने किसमें, 60 पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट मिला उसे अपन ने वन आर्क मिनट कहा, और उसके बाद जो अपने को मिला एक डिग्री एक आर्क मिनट को अपन ने फर्दर डिवाइड किया, तो जो हमें नई यूनिट मिली दैट इज वन आर्क सेकेंड। आइए आगे बात, है ना, आइए बात करते हैं इसकी दूसरी यूनिट रेडियन की। तो रेडियन क्या है कि मान लो अपने पास ऐसे एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस आर है, और हमने क्या किया इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कितना उतना ही चले जितना इसकी रेडियस है, यानी आर, यानी जो अपने आर्क काटा, आर्क जानते हो ना, किसी भी सर्कमफेरेंस का कोई एक टुकड़ा, इसे अपन आर्क कहते हैं। जो हमने आर्क काटा ये आर्क की लंबाई उतनी है जितनी इसकी रेडियस है, और अपन ने उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि इस आर्क की वजह से सेंटर पे एक एंगल बना है, और इस एंगल के मेजरमेंट को ही कहा गया वन रेडियन। यानी अगर ये रेडियस 2 मीटर होती तो आर्क भी 2 मीटर होगा, तो कितनी आएगी, 1 रेडियन। अगर ये 10 मीटर है, हमने आर्क लिया 10 मीटर का, तो जो यूनिट आएगी वो कितनी होगी, 1 रेडियन। तो जितना रेडियस हो आप उतना ही आर्क ले लो, और वो आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाए उसे अपन क्या कहेंगे, 1 रेडियन। फिर क्या किया, सर्कल में से आर 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 करके मल्टीपल आर्क्स काटेंगे, तो ऐसा देखा गया कि इसमें 6 आर्क पूरे बनने के बाद लास्ट में छोटा सा आर्क बच गया जो कि 0.28 रेडियन के बराबर था। तो एक रोटेशन में जो टोटल आपका रेडियन आया वो आया 6.28 रेडियन। और हम जानते हैं 6.28 रेडियन कर सकते हैं 2 × 3.14 रेडियन, और हम जानते हैं 2 को 2 लिख दें, और 3.1 की 4 की वैल्यू होती है पाई की, आपको पता है पाई की कितनी होती है, 3.14। तो यहां से जो हमें टोटल रेडियन मिला वो कितना मिला, 2 पाई रेडियन। कितना मिला, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब वन रोटेशन में जो टोटल एंगल होता है रेडियंस में वो होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। अब हमारे पास दो पहलू आ गए कि एक रोटेशन में, एक तो होता है 360 डिग्री, और दूसरा होता है 2 पाई। ये किसके बराबर होता है, 2 पाई के। तो हम लोग यहां से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 2 से ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 कितना आएगा, 180। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो हमारा 1 पाई रेडियन है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। आई होप कि ये बात आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे पाई इज इक्वल टू
180 डिग्री आया है, जैसे हम किताबों पढ़ लेते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कैसे पाई 180 डिग्री के बराबर आया ये अपन ने सीख लिया। अब कैसे पाई को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, है ना, कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो कि आपको दे रखा है कहीं डिग्री से रेडियन बनाना है आपको, डिग्री टू रेडियन, तो उनके आगे मान लो आपको दे रखा है 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, इसको मैं बनाना है रेडियन। तो सिंपल सी बात है, हम जानते थे रेडियन में एक वर्ड आता था पाई, क्या आता था पाई, और जबकि डिग्री में क्या वर्ड आता था 180। अब आपको डिग्री तो पहले से है, क्या बनाना है पाई, तो ध्यान से देखो, हम जानते थे 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा 1 पाई अपॉन 180। अब यहां से 1 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई अपॉन 180। ऐसे अगर मैं इसमें से 1 रेडियन की वैल्यू निकालू, तो जब 1 रेडियन निकालेंगे पाई का चला जाएगा नीचे, यानी 180 अपॉन पाई, या तो ऐसे याद रख लो, और ऐसे याद नहीं रहे तो एक तरीका और है कि जो एंगल थीटा किसमें रेडियन में, रेडियन में किससे मेजर करते हैं पाई में, और थीटा किससे मेजर किया अपने डिग्री में, इसको किससे मेजर करते हैं 180 में। अब इनमें से आपको जब भी कन्वर्ट करना तो आप याद रखो रेडियन वाला पाई के साथ, डिग्री वाला 180 के साथ, आपने ये कन्वर्ट करना है। तो अपने रेडियन बनाना है तो अपन लिखेंगे थीटा रेडियन, नीचे क्या लिखा जाएगा पाई इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री कितना है 60, नीचे 180, ये तीन बार कट जाएगा, पाई यहां चला जाएगा, तो थीटा इन रेडियन आ जाएगा पाई बाई 3। सिंपल, ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है पाई आ जाएगा, तो 90 बाई 180 इंटू पाई, यानी पाई बाई 2। इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर से वही लगाना है अपने को, क्या लिखेंगे हम 120 डिग्री अपॉन 180 इंटू पाई, कितने से कटेगा 6 से 2 टाइम्स, 60 से 2 टाइम्स, 0 से 0 काट दो, 18 यानी 2 अपॉन 3 पाई। 45 को कन्वर्ट करना है तो 45 अपॉन 180 इंटू पाई, कितने बार कटेगा बेटा ये 4 टाइम्स, तो आ गया पाई बाई 4, है ना। तो जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको रखो ऊपर, और जिसको कन्वर्ट करना हो उसको रखो नीचे। कन्वर्ट करना है रेडियन में तो रेडियन का पाई होता है पाई को ऊपर रखा, डिग्री पहले से था तो डिग्री रखा नीचे। उल्टा करना हो, जैसे क्या बनाना हो हमें रेडियन टू डिग्री, तो आप कुछ नहीं याद रख सकते, देखिए पंपड़ा याद रखो इसको यूज करेंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2π/4 है, बोलो घट जाएगा 2π/3, अपन बनाना है डिग्री, तो अपन लिखेंगे क्या थीटा इन रेडियन कितना 2π/3 अपॉन पाई बराबर थीटा इन डिग्री निकालना है, और कितना है ये 180, तो पाई से पाई बन गया, 3 से ये बन कितने बार 60 टाइम्स, 60 2 20, तो थीटा इन डिग्री कितना आ गया 120 डिग्री। सिंपल, जब मैं तो सीधा जानता हूं कि अगर मुझे मान लो 75 को कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा ऊपर रखूंगा रेडियन वाला सिंबल पाई, नीचे रखूंगा डिग्री वाला सिंबल, और इसका कर दूंगा मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको काटेंगे अपन, 15 बच जा 75, 12 टाइम्स आएगा 15 बन जाए 15 बच गया 30, तो कितना आया 5/12 पाई। अब ऐसा कोई भी नंबर आए से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और कुछ याद नहीं रहता तो अपन क्या लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला थीटा इन रेडियन अपॉन पाई थीटा इन डिग्री अपॉन 180, ठीक है। ये तो भी अपने बात इसकी कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, है ना। और कुछ एंगल जो फिक्स हैं उनको अपन ने कुछ स्पेशल नाम दे दिए, जैसे आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि अगर थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो अपन उसको कहते हैं 0 एंगल, इसका मतलब कोई भी रोटेशन हुआ ही नहीं, है ना, या पूरा रोटेशन होकर वापस नहीं आ गया,
है ना, तो उस कंडीशन में अगर हमको क्या पता वो रोटेशन होकर वापस आएगी चक्कर नहीं आएगी, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे थीटा 0 डिग्री है, और अगर अपने को पता हो कि पूरा चक्कर लगाया तो कितना हो गया 360 डिग्री। ऐसे थीटा हमारा हो, थीटा जो है थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो जिसका नाम रखा गया वो रखा गया एक्यूट एंगल। क्या नाम रखा गया? एक्यूट एंगल। अगर थीटा हमारा होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का तो उसका नाम दिया गया राइट एंगल। याद रखना थीटा एंगल का नाम है ना। अगर थीटा हमारा बड़ा है 90 डिग्री से और छोटा है 180 डिग्री से, है ना, तो इससे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमारा थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री का है तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल। ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे अगर हमारा थीटा एग्जैक्ट 360 डिग्री का है तो उसे कहा जाएगा कंप्लीट एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल। कैसे आप रखोगे? सबसे पहले एक्यूट, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो छोटा है, छोटे को अपन कहते हैं क्यूट, क्यूट तो ए क्यूट, 90 छोटा, छोटा मतलब क्यूट। फिर 90 डिग्री का यानी जो सीधा हो गया 90 डिग्री पे एकदम, तो अपन ने कहा भाई छोटा बच्चा क्यूट था वो सीधा हो गया, राइट एंगल पे आ गया, है ना, खड़ा होना स्टार्ट हो गया है। फिर उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई, 90 से बढ़ गई तो अपन ने कहा अधिक, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, तो थोड़ी सी बढ़ गई तो अपन उसको नाम दिया ऑब्ट्यूज, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, तो चूंकि 90 से अधिक हो गई तो अपन ने इसको बोला अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। फिर 180 डिग्री, 180 साल का बुढ़ा हो गया, चार पैर पे सीधा लेट गया यानी स्ट्रेट एंगल। अब लेटने के बाद क्या करेगा बेटा, ज्यादा देर तक तो लेटा नहीं जा सकता और मुझे तो अपने हाथ पैर सुकड़ेगा, रिफ्लेक्स करेंगे उसके हाथ पैर, तो अपन ने कहा ये रिफ्लेक्स एंगल। और फाइनली 360 साल का हो गया तो अपन ने कहा इसकी एज हो गई कंप्लीट, और इसको अपन ने नाम दिया कंप्लीट एंगल। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेडियन, डिग्री और उनके में मेजर करते हैं एंगल्स को, और उनके स्पेशल नाम्स क्या क्या दिए गए हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।